बटालियन द कुमाऊ रेजिमेंट 56 माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से आप सबका इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत है। यह कारगिल वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को शहीदों की याद में यहां पर बनाया गया था। इसे द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल वॉर का एक बड़ा हिस्सा यहां पर लड़ा गया। इसके अलावा आप जहां पर खड़े हैं यहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियों को देखना संभव है जिस पर दुश्मन की सेना धोखे से कब्जा करके बैठी हुई थी। जिस पथ पर आप खड़े हैं उसे विजयपथ के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपनी निगाह ठीक सामने ले जाएंगे तो आपको एक ज्योति जलते हुए दिखाई देगी जिसे अमर जवान ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह ज्योति 24 आवर्स जलते रहती है। इसके लिए पर डे एक सिलेंडर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक उसी के पीछे जो ब्रास प्लेट आपको दिखाई दे रही है उसमें सुनहरे अक्षरों में उन सैनिकों के नाम दर्ज हैं जो 99 कारगिल वॉर के दौरान यहां पर शहीद हुए थे। हमारे देश ने उस समय 559 जवान खोए थे और 1536 जवान उस समय घायल हुए थे। अगर आप थोड़ा बाएं देखेंगे तो आपको वीर भूमि दिखाई देगी। यह वीर भूमि उन सैनिकों की निशानी है जो 1947 से लेकर आज तक इस एरिया में ऑपरेट करते हुए शहीद हुए हैं। कारगिल वॉर को छोड़ के दोनों जगह आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। आपके बाईं तरफ जो विमान आपको दिखाई दे रहा है यह MiG-21 के नाम से जाना जाता है और एक फाइटर विमान है। इसकी क्रॉसिंग स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार के विमान का इस्तेमाल भी उस समय बखूबी किया गया था। अगर आप थोड़ा दाहिने देखेंगे तो आपको एक बड़ी गन दिखाई दे रही है जिसे बोफोर्स तोप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की तोपों से कारगिल वॉर के दौरान दुश्मन के ऊपर तकरीबन 2.5 लाख गोले दागे गए थे और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ठीक उसी के पीछे की तरफ आपको जो रेड शेल्टर वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह मनोज पांडे गैलरी है और 3 भागों में डिवाइड है। इसके पहले भाग में उस समय जो मीडिया यहाँ पर एक्टिव थी उसने जो भी कवरेज दिया उसकी क्लिप दी गई है। दूसरे भाग में बटालियंस की हिस्ट्री, उनको क्या टास्क मिला, कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे वो कामयाब हुए, उस समय पहाड़ों का लुक कैसा था, ये 10 मॉडल भी डिस्प्ले किए गए हैं। इसके अलावा चंदे जो उस समय के वॉर हीरोज थे उनकी फ़ोटो लगी हुई है और साथ में देश ने उन्हें जो रिवॉर्ड दिया वो रिवॉर्ड भी लिखा हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। मनोज पांडे गैलरी का तीसरा हिस्सा पाकिस्तान गैलरी से संबंधित है जिसमें पाकिस्तान से कैप्चर किए गए इक्विपमेंट, अमुनिशन, आर्म्स, वेपन, उसके साथ उसके द्वारा फायर किए गए आरटी सेल्स के स्प्लेंडर और साथ साथ में कुछ ऐसे सबूत भी लेआउट किए गए जिससे यह जाहिर होता है कि 98-99 के दौरान जो घुसपैठी थे वो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, जैसे कि उनके आई कार्ड्स और फेसबुक भी डिस्प्ले किए गए, उन्हें भी आप देख सकते हैं। सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है इसे टोलोलिंग के नाम से जाना जाता है। कारगिल युद्ध का आगाज इसी पहाड़ से हुआ था। अगर आप अपना ध्यान पूरा बाएं दूर स्काईलाइन पर ले जाएं तो आपको दो ऊंची नुकीली चोटियां दिखाई देंगी। दाहिने वाली नुकीली चोटी का नाम टाइगर हिल है और बाएं वाली नुकीली चोटी का नाम राइनो हॉर्न है। राइनो हॉर्न से बाईं तरफ जो बर्फ़ की रिच लाइन जाती है और लास्ट में एक टॉप सरफेस बनता है जी, उसे 0.4875 के नाम से जाना जाता है। कारगिल वॉर के बाद हम इसे बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा साहब जो कि 13 जैक जम्मू एंड कश्मीर राइफल से संबंध रखते थे उनकी टोली ने इस पर कब्जा किया और इसी ऑपरेशन के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जिस रूट से आप आए हैं इसे नेशनल हाईवे 1 डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अभी घुसपैठ का मुख्य कारण इस प्रकार से रहा। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ जिसके तहत यह एग्रीमेंट साइन हुआ कि एलसी पोस्ट में विंटर सेशन में दोनों सेनाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ठंड के लिहाज से यह एरिया संसार में दूसरे और एशिया में पहले नंबर पर आता है। 9 जनवरी 1995 को यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए जब इसी एग्रीमेंट के तहत विंटर 1998 में भारतीय सेना अपने एलसी पोस्ट को छोड़ के कम ऊंचाई वाले स्थानों पर आ गई तो दुश्मन इसी प्रकार 400 पीक्स पर कब्जा करके बैठ गया। दुश्मन धोखे से गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक 150 किलोमीटर एरिया घेर चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि कारगिल युद्ध की शुरुआत 20 मई 1999 को हुई और 26 जुलाई 1999 तक यह युद्ध चला। अंततः हमने सभी पोस्ट पर वापस कब्जा प्राप्त किया। दुश्मन को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और मुक्की खानी पड़ी। इसलिए हर वर्ष यहाँ पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की गरिमा और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आप भी सहयोग प्रदान करें। आपसे हमारा निवेदन है कि आप घास पर ना जाएं और चैन से कवर्ड जो एरिया है उसे क्रॉस ना करें और हेलीपैड पर हरकत ना करें। यहाँ पर चंदे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपके बाईं तरफ लास्ट में पब्लिक कन्वीनियंस है और एटीएम की सुविधा उपलब्ध है। आपके दाहिने और पीछे की तरफ सोविनियर शॉप और कैफे एरिया है। खाने पीने की वस्तु का इस्तेमाल आप वहीं पर करें क्योंकि यह एक पूजनीय स्थल भी है। यहाँ खाने पीने की वस्तु का इस्तेमाल ना करें। आपके दाहिनी तरफ जो रिक्रेशन पार्क आपको दिखाई दे रहा है
उसमें पाकिस्तान से कैप्चर किए गए सेंट्री पोस्ट और लिविंग शेल्टर रखे हुए हैं, जिनकी कहानी उनके बगल में लगे हुए बोर्ड पर लिखी हुई है। जब हमने टाइगर हिल पर कब्जा किया था तो वहाँ से कैप्चर करके इनको यहाँ रखा था। मैं भी आप देख सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं। कृपया फोटो खींचते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कई माओं ने यहाँ पर अपने सपूतों को खोया है, तो आप हंस के या अलग अलग स्टाइल में यहाँ पर फोटो ना खींचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सोनू राइनो है उसके साथ जो कहते हैं वो लाइन जाती है, एक जगह आपको सिर्फ कुछ ही दिखाई दे रही है। ये बहुत फोर्स के आगे भी फोर्स है। इसकी मैंने एक फोटो ले ली है। 150 किलोमीटर लाइट वेरिएंट कैन इजीली बी डिसेंबल्ड इनटू इट्स लेकिन 99 को आप इसको मोबाइल में कर लो, करना उसको करूंगी मैं। पाकिस्तान रोज
साल नहीं आता है सब बीच लाइफ है दिल्ली में जाने जीवन सुधीर